दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ डीपीयू सॉफ्टवेयर की। इस सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे कि कैसे डीपीयू से कंप्लीट डेयरी का कलेक्शन मैनेज कर सकते हैं। डीपीयू सॉफ्टवेयर हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर जैसे मिल्क कलेक्शन के लिए मिल्क चिलिंग सॉफ्टवेयर और बल्क मिल्क चिलिंग कलेक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ सकते हैं और डीपीयू का डेटा सारा का सारा हमारे किसी भी मिल्क कलेक्शन सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेमो शुरू करते हैं और सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही सॉफ्टवेयर मैन स्क्रीन सामने खुल जाएगी। इसमें अब डीपीयू का डिटेल डाल देते हैं, जैसे DP1, DP2, DP3, DP4। DPU डिटेल डालने के बाद DPU का अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट बनाने में बस आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में किसी भी मेंबर का अकाउंट DPU में किससे लिंक किया है। इससे क्या होगा कि जब भी उस DPU अकाउंट में दुग्ध परचेस होगा वो अपने आप कंप्यूटर में लिंक अकाउंट में अपडेट हो जाएगा। डीपीयू अकाउंट बनाने के बाद आप डीपीयू के डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आप जो फाइल या शिफ्ट डेली समरी को डीपीयू से निकलकर पेन ड्राइव से कंप्यूटर में कर सकते हैं और इस डीपीयू इंपोर्ट मेन्यू से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। डीपीयू इंपोर्ट से जो भी डीपीयू अकाउंट लिंक किया हुआ है उसमें डेटा अपने आप अपडेट हो जाएगा और हर अकाउंट में मिल्क की एंट्री परचेस नंबर के साथ एंट्री हो जाएगी। DPU डेटा वेरीफाई मॉड्यूल में आप इंपोर्ट किया हुआ डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं कितने का DPU में मिल्क परचेस किया हुआ था, क्या फैट था, कितना वेट था और टोटल अमाउंट कितना था। आपको हमारा सॉफ्टवेयर कैसा लगा इसकी जानकारी नीचे कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।